मुंबई में बड़ी कलाकार हेमा उपाध्याय और उनके वकील की हत्या की गुत्थी अब सुलझती दिख रही है। पुलिस ने वाराणसी से साधु राजभर नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी की अभी भी तलाश है। आपको दिखाते हैं हेमा की हत्या के पीछे पुलिस क्या वजह बता रही है। मुंबई की नामी कलाकार हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश भंबानी की हत्या के राज से जल्द ही पूरी तरह पर्दा उठ सकता है। हेमा उपाध्याय हत्याकांड में आरोपी साधु राजभर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के एडीजी बी चौधरी ने एबीपी न्यूज से राजभर की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। राजभर से पूछताछ शुरू हो गई है। इस बीच हत्याकांड से जुड़े तीन और लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। अभी तक जांच में बात सामने आ रही है कि हेमा उपाध्याय की हत्या कारोबारी दुश्मनी की वजह से हुई। राजभर और हेमा उपाध्याय एक दूसरे को जानते थे। उस रात को राजभर ने ही इन दोनों को पैसे देने के मामले में पैसे देने के लिए बुलाया था और ये भी कहा था कि जो हिसाब किताब है वो पूरा कर दिया जाएगा और कुछ जानकारी भी वो देगा, ये कहकर उन दोनों को यहाँ बुलाया। शाम करीब 6:30 बजे वो अंधेरी से, यानी हेमा उपाध्याय और राजभर अंधेरी के इलाके से निकले उनके स्टूडियो से हरीश भंबानी की गाड़ी में, और बाद में करीब 8:30 बजे वो लालजीपाड़ा के उस इलाके में पहुंचे जहां पर राजभर ने उन दोनों को बुलाया था। और बाद में उनके बीच कहासुनी हुई। राजभर और उसके साथ काम करने वाले इन लोगों ने उनकी हत्या की, गला दबाकर या तकिए से उनका मुंह दबाकर उनकी हत्या की, ऐसा शक है पुलिस को। शनिवार की शाम मुंबई के कांदिवली इलाके में एक नाले से हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश भंबानी का शव बरामद किया गया था। हेमा की कारोबारी रंजिश किससे थी और ऐसा क्या हुआ कि उन्हें और उनके वकील को जान से मार दिया गया, इन सवालों के साफ साफ जवाब मिलने अभी बाकी हैं। लेकिन पुलिस को तफ्तीश के दौरान पता चला है कि हेमा अपनी निजी जिंदगी में भी तनाव से गुजर रही थी। अपने पति और मशहूर आर्टिस्ट चिंतन उपाध्याय से तलाक के लिए उन्होंने अर्जी लगा रखी थी। दोनों पिछले कुछ महीनों से अलग रह रहे थे। चिंतन उपाध्याय से भी पुलिस पूछताछ कर चुकी है। हेमा उपाध्याय मूर्तिकला और फोटोग्राफी की दुनिया में बड़ा नाम थी। विस्थापन को लेकर वो फोटोग्राफी करती थी और प्रदर्शनी भी लगाया करती थी। हेमा की पहली प्रदर्शनी 2001 में स्वीट स्वेट मेमोरीज के नाम से मुंबई में प्रदर्शित हुई थी। 1972 में गुजरात के बड़ौदा में जन्मी हेमा ने 1998 में मुंबई आने के बाद विस्थापन को अपनी कलाकारी का केंद्र बिंदु बनाया था। कई बड़े सम्मान भी उन्होंने हासिल किए थे।